few months back, मेरे कुछ दोस्तों को नेटमैन के बारे में पता चल गया था। उन दोस्तों ने मेरे बाकी के दोस्तों को बता दिया। उन लोगों ने ऐसे करते करते बात फैला दी। मुझे उनकी बात फैलाने से प्रॉब्लम नहीं था, मुझे बस इस बात का डर था कि ये सीक्रेट अब सीक्रेट नहीं रहेगा। मेरे दोस्त लोग काफी सपोर्टिव है नेटमैन को लेकर के, बट वही है ना, नेटमैन का जो वजूद था वो खत्म हो रहा था धीरे धीरे। मैं इसीलिए इतने महीने से वीडियोस बनाना छोड़ दिया। मैं सोचा कि गायब हो जाता हूँ अभी। नेटमैन एक हिडन आइडेंटिटी होने के बहुत सारे रीजंस थे। एक तो मुझे प्रूव करना था कि आप इस दुनिया में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो और उसके लिए आपको फेमस होने की जरूरत नहीं है, ऊटपटांग हरकतें करने की जरूरत नहीं है, लोगों को दिखाने की जरूरत नहीं है कि आप महान हो, चैरिटी करते हो, जबकि आपका अंदर से दिल बहुत ही मैला है। बहुत लोग दूसरों की मदद बस सोशल मीडिया में दिखाने के लिए करते हैं ताकि लोग उनको पसंद करें और वो फेमस हो जाए, पर असल जिंदगी में वो अपने ही लोगों को बहुत बुरी तरह से ट्रीट करते हैं। मुझे बस ये फेमस वाला कॉन्सेप्ट हटाना था। दूसरा, मेरा खुद का एक सपना है कि 30 साल बाद न्यूज में एक ऐसा न्यूज आए कि एक अनजान बंदा इंटरनेट में आया था, लोगों के लिए वीडियोस बना के कहीं गायब हो गया। वो बंदा कौन था आज तक किसी को पता नहीं चल पाया, एक मिस्ट्री रह जाती देश में। पब्लिक स्पीकिंग हमेशा से मेरा एक पैशन रहा है। मैंने अपने आप को कभी मोटिवेशन स्पीकर नहीं बोला, मैंने हमेशा अपने आप को बस स्पीकर कहा है। आप लोगों ने मुझे मोटिवेशनल स्पीकर बना दिया, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा आभारी हूँ। मैं हमेशा से सोचता था कि सेलिब्रिटीज की लाइफ कितनी कॉम्प्लेक्स होती है यार। आप खुद ही सुशांत सिंह राजपूत, सारा अली खान को देख लो, उनकी लाइफ में कोई प्रिवेसी ही नहीं है। इसलिए मैं सोचा कि जस्ट इन केस अगर मेरी वीडियो हिट हो गई, मैं इतने पब्लिक को हैंडल नहीं कर पाऊंगा। मुझे नॉर्मल जिंदगी ही सही लग रही थी उस वक्त, इसलिए भी मैं नेटमैन बना, एक हिडन आइडेंटिटी, कि मैं अपने पैशन को पूरा कर सकूंगा और साथ ही साथ अपने माँ के साथ ठेले में सब्जी खरीद सकूंगा जहां मुझे कोई जज नहीं करेगा। मैं खुद फेमस नहीं होना चाहता था, बट मैं चाहता था कि नेटमैन फेमस हुए, नेटमैन के वीडियोस लोगों तक पहुंचे। इसलिए मैंने कुछ इंस्टाग्राम पेजेस को अप्रोच भी किया ताकि जिनके लिए मैं वीडियोस बना रहा था उन तक ये वीडियोस एटलीस्ट पहुंच सके। मैंने इस चीज में दिल से बहुत मेहनत की है। मैं आज जो हूँ वो आप लोगों के बदौलत है कि आपको मेरी वीडियोस असल जिंदगी में इतनी मदद करती है। आप लोग जब कमेंट में लिखते हो ना या मैसेज करते हो मेरी वीडियोस के बारे में, मुझे बहुत खुशी होती है कि मैंने किसी का दिन बना दिया। अभी मेरे फ्यूचर में बहुत सारे दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें मुझे मुंह दिखाना ही पड़ेगा, और मैंने ये फैक्ट सच बताऊं तो एक्सेप्ट कर लिया। एक कोट है, यू कांट ब्लेंड इन व्हेन यू आर बॉर्न टू स्टैंड आउट। अगर आप पैदा ही हुए हो कुछ अलग करने के लिए तो आप बाकी लोगों के साथ मिल ही नहीं सकते। मेरे दूसरे प्रोजेक्ट्स में मेरा चेहरा दिखाना जरूरी है, और सच बोलूं तो मैंने ये बात एक्सेप्ट कर ली है। बट जहां तक नेटमैन की बात है, मैं इसको ऐसे ही रखना चाहता हूँ, एक हिडन आइडेंटिटी लाइफ टाइम तक। इधर मुझे अपने आप को रिवील नहीं करना, इस चीज को एक मिस्ट्री रहने दो प्लीज। जो भी मेरे दोस्तों को इस चीज के बारे में पता चलता है, प्लीज शो स्पोर्ट्समैनशिप एंड कीप इट प्राइवेट। बहुत लोग मुझे बाई चांस किसी और प्लेटफॉर्म में देखेंगे और आपको लगेगा ये शायद नेटमैन लग रहा है मुझे, पर अपनी ये यू नो कंफ्यूजन प्लीज अपने अंदर ही रखना। प्लीज डोंट रिवील मी, नेटमैन की आइडेंटिटी हिडन ही रहने दो। खुद याद है ना, इन अ वर्ल्ड वेयर एवरीवन वांट्स टू बी फेमस, दिस गाय चोज नॉट टू। नेटमैन स्टार्ट इस टैगलाइन से हुआ था और खत्म भी इसी टैगलाइन से होगा। एंड आई विल बी बैक विद सुपर अमेजिंग वीडियो सुपर सून टून। इसलिए सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट जो करना है कर दो। मिलता हूं बहुत जल्दी, एंड दिस टाइम द वीडियो इज गोइंग टू बी डार्क। हे गाइस, इफ यू रियली लाइक आवर कंटेंट एंड डू फॉलो अस ऑन ऑल द सोशल मीडिया, एंड इफ यू डोंट, हम और मेहनत करेंगे। ये